राहुल गांधी की शिमला आगमन से पहले शिमला ग्रामीण के विधायक और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह के प्रदेश कांग्रेस द्वारा आम कांग्रेस जनों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बैठक में नहीं जाने देने के फरमान पर आपत्ति जताई। राहुल विंग में भी कांग्रेस में भेदभाव और सिलेक्टिव कल्चर का विरोध किया गया। इस सारे मामले की राहुल गांधी से शिकायत की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर बैठक को हाईजैक करने के आरोप लगाए हैं। आम कार्यकर्ता से इसमें सही फीडबैक मिलने की आस थी। उनको इस महत्वपूर्ण चिंतन बैठक में दूर रखने की कोशिश की गई है, जो कि पार्टी हित में नहीं है। मगर यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड बाशिंदों को ही पीसीसी में बुलाया गया है और जो जेन्युइन वर्कर्स है, मैं समझता हूँ कि उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। ये अधिकार क्षेत्र पीसीसी का है, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए था कि हर व्यक्ति को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी इसमें बुलाना चाहिए था। इसमें केवल सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है। इस तरह का एक चैनलाइजेशन जो राहुल गांधी जी के लिए करी गई है, दैट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अगर इस तरह से ही कार्य चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि एक सही पिक्चर माननीय राहुल गांधी जी तक नहीं पहुंचेगी। उनको आज वो यहाँ पे आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता से मिलने के लिए आ रहे हैं, जो एक सिलेक्टिव पिकिंग की गई है। कई लोगों को ही यहाँ पे पासेज अंदर दिए गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर इस तरह का कार्य चलता रहेगा तो संगठन आने वाले समय में और कमजोर होगा। ये मंथन है तो मंथन में आम लोगों की भागीदारी, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं और उसके लिए एवरी कांग्रेस इंडिविजुअल, वेदर ही इज ऑफिस बेरर और कॉमन वर्कर ऑफ द पार्टी, ही हैज अ राइट टू मीट हिज नेशनल प्रेसिडेंट। आज अगर वो यहाँ पे पहली बारी प्रदेश में आ रहे हैं तो सब लोगों का ये अधिकार बनता है कि एक जनरल हाउस यहाँ पे रखा जाए जिसमें जिसने भी अपनी बात रखनी है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रख सके। पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी आए, वो अपने सब कार्यकर्ताओं से यहाँ मिले। इस तरह का एक प्रचलन पार्टी में भी होना चाहिए। आज हम विपक्ष में है, ज़्यादा एक हमारी इंटरेक्शन हमारे लीडर के साथ होनी चाहिए। हम तो एक विधायक के रूप में मिल सकते हैं, मगर जो और कार्यकर्ता है, सब लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और अपनी बात, अपनी जेन्युइननेस जो है पार्टी अध्यक्ष तक रखे। आगे किया यही डिस्क्रिमिनेशन अभी कांग्रेस को हरा गया। इतना काम क्या हो रही है और जितने वर्कर होना चाहिए ये जो ऊपर जो भी काम कर रहा है जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, जो जन्म जात है कांग्रेस और नेते इतने हैं। आपको लगता है कि मैनेजमेंट नहीं है कांग्रेस, इसकी वजह से हार रहे हैं कांग्रेस? क्या दिक्कत है? आपको नहीं जान दिया जा रहा है? क्या नाम है आपका? और हिमाचल खंपा समुदाय के प्रधान हूँ कुनु खंपा, और हम जन्मजात से कांग्रेस से जुड़े हैं और सीनियर हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 2002 से बने हैं और हमारे को कई पद से नवाजा गया है, जैसे आपका ये शिमला का महिला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सचिव बनाया गया है सीनियर। तो आज हम ये देखते हैं जो राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में इतना काम किया, काम किया है, लेकिन आज हमारे भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसके लिए हमको अंदर जाने का नहीं है। ये कारण क्यों है? जबकि कार्यकर्ते ही एमएलए को बनाते हैं, एमएलए को चुनते हैं। हमको नहीं पता लगता राहुल जी से ये बात है, ऊपर से आकर इनको बनाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। जब रैली में जाना हो तब है, जब अगर पार्टी का काम हो तब है, अभी हमारी अनसुनी। हम राहुल जी से यही सवाल आज करेंगे कि तभी जाके कांग्रेस खत्म है, वर्कर नहीं मिल रहा इनको। राजा साहब का जो रसोई घर है वो एक आम आदमी का घर का तरह है, तब भी ये जो ऊपर से आते छलांग मार के इनको शर्म नहीं आती, नहीं कहती। ये गलत है, ऐसे को ना अध्यक्ष बनाना चाहिए ना महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। लेकिन नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी ये है, जब देश का कोई अध्यक्ष बन के आता है तो हम भी कांग्रेस के होने के नाते हम ये उनसे बोलना चाहते हैं कि ये हिमाचल में कमी है, प्रदेश में ये कमी है, जो कि वर्कर को नहीं पूछा जाता है।